Hello guys, welcome to my YouTube channel Bright CMAs. I am CMA Jatin Gupta and today we'll discuss about the composition scheme. If you guys not subscribed to my channel, please subscribe it so that you will never miss any update. You can also join my WhatsApp group, link is in the description. Video ko last tak dekhiye taki aap composition scheme ke pure concept ko acche se samajh sake. Okay, so let's start. कॉम्पोजिशन स्कीम हमारा सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर कवर होता है. ये कॉम्पोजिशन स्कीम होती क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ छोटे मोटे ट्रेडर्स और टैक्सेबल पर्सन्स के लिए स्कीम लेके आई है ताकि वो अपनी जीएसटी पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग और जो रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं एज पर जीएसटी लॉ, वो उनके लिए ईजी हो जाए. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ स्कीम फॉर सिंप्लीफाइड द पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड filing of returns to certain categories of taxable person. As a result, taxable person not required to maintain detailed record and filing of returns. Okay, so ye scheme milti kisko hai, kaun ye scheme opt kar sakta hai? To under section 10(1) ke andar ye baat likhi hui hai, kuch conditions hai jinko satisfy karne ke baad ek person composition levy ko opt kar sakta hai. To kya conditions hai dekhte hain. Pehli condition hai meri ki प्रीवियस ईयर में उस पर्सन का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए. टर्नओवर मींस एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए. दूसरी बात, वो कोई सर्विसेज सप्लाई ना करता हो अदर देन रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग. ओके, तीसरा, नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई वो नहीं कर सकता इफ ही वांट्स टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन लेवी इन द प्रीवियस ईयर. नॉट सप्लाइंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकता, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन वो इनवर्ड सप्लाई ले सकता है बिकॉज यहाँ पे लॉ कहता है कि वो आउटवर्ड सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट, नॉट सप्लाइंग ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ, ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई नहीं कर सकता. आई मीन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके थ्रू कोई ट्रेडर अपना माल अगर बेच रहा है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता है. वो नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता. फिर नोटिफाइड गुड्स क्या है, पान मसाला, एडिबल ऑयल, आइसक्रीम एंड एरेटेड वाटर. अगर वो पर्सन इन गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है तो भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम्स को नहीं ले सकता. तो अगेन रिपीट करते हैं क्या क्या कंडीशन है मेरी. प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, सर्विसेज सप्लाई नहीं करनी चाहिए अदर देन रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग, टैक्सेबल गुड्स नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता और नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता. एज पर न्यू अमेंडमेंट, पर्सन को कुछ सर्विसेज अलाउड कर दी हैं, कुछ लिमिट तक अलाउड कर दी गई हैं. क्या है कि एक एसएससी अपने टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का 10% इन अ स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर तक मैक्सिमम सर्विसेज सप्लाई कर सकता है. मतलब अगर प्रीवियस ईयर में उस एसएससी की जो सर्विस पोर्शन है वो टोटल टर्नओवर का 10% या फिर उससे कम है और 5 लाख विच एवर इज हायर उससे कम है तो वो कॉम्पोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकता है. ओके, ये सारी की सारी कंडीशन प्रीवियस ईयर की. अगर प्रीवियस ईयर में एक भी कंडीशन वो वॉयलेट करता है तो इस करंट ईयर में वो कॉम्पोजिशन लेवी नहीं ऑप्ट कर सकता. ओके, अगर मान लेते हैं प्रीवियस ईयर तो उसने ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी लेकिन इस साल उसने इनमें से किसी एक कंडीशन को वायलेट कर दिया तो क्या होगा. तो जैसे ही वो इनमें से किसी भी एक कंडीशन को वायलेट करेगा, प्रोस्पेक्टिवली, एक वर्ड में बोलते हो प्रोस्पेक्टिवली, वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा. ओके गाइस, चलिए हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर. एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, इट मींस ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supply on which tax is paid on RCM basis and GST portion. तो मेरी जितनी भी taxable supplies है मैं उसको ले लूँगा लेकिन RCM के through जो मैंने payment की है मैं उसे consider नहीं करूँगा. वो तो एक तरीके से मेरी inward supply है ना, वो एक तरीके से मेरी purchase है. ओके, जो GST मैंने pay किया मैं उसको consider नहीं करूँगा. और क्या क्या add करूँगा, taxable supply plus exempt supplies plus export and interstate supply of goods or services or both person having same PAN. तो ये जो मैं टर्नओवर कैलकुलेट करता हूँ ये मैं पैन लेवल पे करता हूँ, मतलब इस पैन की जितनी भी रजिस्ट्रेशन है
उनकी सारी सेल्स को, सारी सप्लाई को मैं जोड़ लेता हूँ, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जम्प्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई हो, कोई सी भी हो, मैं उन सबको सम कर लेता हूँ। ये एग्रीगेट टर्नओवर जो है ये सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं है, पूरी इस एक्ट की डेफिनेशन है। ओके, आप ये मत सोचना कि एग्जम्प्ट सप्लाई, यहाँ पे सर्विसेज लिख दिया, सर्विसेज तो मना कर दिया है, तो क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन मेरी पूरी जीएसटी लॉ के लिए है, सिर्फ इसी के लिए नहीं है। जीएसटी कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकता है, वो इसके लिए कहता है कि प्रीवियस ईयर में मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए। ओके, एक अमेंडमेंट है ये कि जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट है ऑन लोन्स, डिपॉजिट एंड एडवांसेस, इसे हम टर्नओवर की कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अगर कंपनी ने किसी को कुछ एडवांस दिया है, कुछ लोन दिया है, तो उस पर अगर कुछ इंटरेस्ट अर्न करती है, तो हम उसे टर्नओवर के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसे कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं कि ये बंदा कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ओके, सो मैसर सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई बींग अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलोज। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? इस बंदे की इंटर स्टेट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स की 20 लाख है, एग्जम्प्टेड गुड्स 30 लाख है, टैक्सेबल सर्विस 5 लाख है, और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच रिसिपेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी 4 लाख, मतलब आरसीएम, ये सारा का सारा इंट्रा स्टेट है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 35 लाख, इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, ये मेरी इनवर्ट सप्लाई मीन्स परचेज 200 लाख, और सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने कितना पे किया 2 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर की मुझे डेफिनेशन पता है, मैंने बाकी कंडीशंस में जो पता है, तो अब देखते हैं कि मिस्टर सी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और नॉट। मैसर सी लिमिटेड जो है उसे कंपोजिशन स्कीम इस साल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सारा का सारा फिगर मेरा प्रिसीडिंग ईयर का, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। ओके, तो इंटर स्टेट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स मेरे टर्नओवर में आती है, हाँ वो मेरे टर्नओवर के अंदर आती है। एग्जम्प्टेड गुड्स को मैं टर्नओवर में लेता हूँ, यस मैं इसे भी टर्नओवर में लेता हूँ। टैक्सेबल सर्विस, यस इसे भी कंसिडर करेंगे। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच रिसिपेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी 4 लाख, तो ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर सामने वाला बंदा टैक्स देगा, मैं इसे कंसिडर करूँगा, यस मैं करूँगा, सामने वाला बंदा नहीं करेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यस कंसिडर किया जाएगा। इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, इसे मैं कंसिडर नहीं करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था, आउटवर्ड सप्लाई भले ही आरसीएम वाली हो, उसे मैं कंसिडर करूँगा क्योंकि वो मेरी सेल है, लेकिन ये इनवर्ट सप्लाई मेरी सेल नहीं है, मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा। सीजीएसटी एसजीएसटी पेड, इसे मैं कंसिडर नहीं करूँगा। तो मेरी टोटल टर्नओवर क्या हो जाएगी, 20 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 35। ओके, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी होगी, 94 लाख। कहीं मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, हाँ 1.5 करोड़ से तो कम है, लेकिन क्या मैं कॉम्पोजिशन लेवी लिख सकता हूँ? इसके लिए हमें और भी चीज़ें चेक करनी होगी, क्योंकि हमने कंडीशन में पढ़ा था कि 1.5 करोड़ वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी, लेकिन वो सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकता। भाई ये तो सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो अब क्या ये कॉम्पोजिशन लेवी नहीं ले सकता? नहीं, नीचे एक अमेंडमेंट आई थी कि 10% तक हम उसे अलाउड कर देंगे, 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो मेरी सर्विस कितनी अलाउड जाएगी, 94 लाख का 10%, 9.4 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 9.4 लाख तक मेरी सर्विस अलाउड कर दूंगा। ओके, मेरी टोटल सप्लाइड सर्विस कितनी है, 9 लाख। कौन सी? एक टैक्सेबल सर्विस 5 लाख और ये वाली सर्विस 4 लाख, 9 लाख मेरी टोटल सर्विसेज है जो कि मेरी विद इन द लिमिट है। तो ये बंदा कॉम्पोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकता है, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, बट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो हमने पढ़ा था ना कि वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, तो जो मेरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है ये भी मेरा इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इसी वजह से जो मैसर सी लिमिटेड है ये कॉम्पोजिशन लेवी को ऑप्ट नहीं कर सकता, भले ही इसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है, सर्विस अलाउड भी विद द लिमिट है, बट ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ही कैन नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिशन लेवी। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेरा कंपोजिशन टैक्स रेट क्या है, मैं कितना टैक्स रेट है, किस बंदे के लिए कितना टैक्स है, ये देखते हैं। तो तीन कैटेगरी में बांटता हूँ वैसे, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स अदर देन नोटिफाइड गुड्स, रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, अदर सप्लायर। अदर सप्लायर मीन्स लाइक ट्रेडर, ओके। तो जो मेरे मैन्युफैक्चरर हैं वो मेरे 1% के हिसाब से देंगे टैक्स, मतलब 0.5%। रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस 2.5%, और अदर सप्लायर 0.5%। अब ये 0.5%, 2.5%, 5%, 1%, 5% या 1% किसके ऊपर देंगे, ठीक है। तो इन तीनों के लिए ही जो टैक्सेबल अमाउंट जिसके ऊपर ये टैक्स चार्ज किया जाएगा वो अलग अलग है, वो देखते हैं क्या है, इसको मिस मत कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। टर्नओवर फॉर जीएसटी कैलकुलेशन, मैं जीएसटी कैलकुलेशन के लिए क्या टर्नओवर लूंगा, ओके गाइस। तो सबसे पहले आता है मेरा मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर के लिए मैं लूंगा टैक्सेबल गुड्स, एग्जम्प्टेड एंड निल रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग के लिए मैं कौन से लूंगा, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट प्लस निल रेटेड सप्लाई। तो मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग के लिए तो मेरा यही हो गया, ट्रेडर मतलब अदर सप्लायर, ये 0.5% वाला। इसके लिए मैं सिर्फ लूंगा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब एग्जम्प्टेड और निल रेटेड गुड्स मैं छोड़ दूंगा, वो वाली सर्विसेज मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर ही मैं जीएसटी कैलकुलेट करूंगा, ओके गाइस। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, मैन्युफैक्चरर के लिए टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, निल रेटेड। रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग टैक्सेबल, एग्जम्प्ट एंड निल रेटेड। टैक्स रेट कितना है, मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, रेस्टोरेंट के लिए 5%, और अदर सप्लायर मीन्स ट्रेडर के लिए कितना है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स पे 1%, ओके। 0.5 आधा आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक एग्जांपल करते हैं, ओके। राम एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके। क्या इन्फॉर्मेशन है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 120 लाख, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स 10 लाख, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 5, एग्जम्प्टेड सर्विसेज 3, इंटरेस्ट अर्नड ऑन डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस 5.5। तो अब ये प्रीसीडिंग ईयर की है, तो क्या ये बंदा कॉम्पोजिशन ले सकता है, हम कैसे देखेंगे, ये सारी चीज को सम करेंगे, मतलब 120 और 10, 130, 135, 138, तो 1.5 करोड़ से तो कम है मेरी ये टर्न, 1.5 करोड़ से तो कम है मेरी ये टर्नओवर, तो कॉम्पोजिशन ले भी ले सकता है, हाँ ले सकता है, लेकिन और भी चीज़ है, ये सप्लाई और सर्विसेज भी कर रहा है, तो क्या ये ले सकता है, देखना पड़ेगा। 138 लाख की मेरी टोटल सेल्स होगी, सर्विस कितनी अलाउड हो जाएगी, 10% मतलब 13.8 लाख, मेरी टोटल सर्विसेज कितनी है, 5 और 3 8 लाख, तो ये मेरी विद इन द लिमिट है, यस। तो ये बंदा कॉम्पोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकता है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता क्या है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ राम एंड कंपनी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो ये तो हम देख लेते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम ही ले सकता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, अगर राम एंड कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है और राम एंड कंपनी एक ट्रेडर है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए जीएसटी किसके ऊपर लगेगा, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट एंड निल रेटेड, तो 120, 10, 5 और 3 इसके ऊपर लगेगा, और ट्रेडर के लिए सिर्फ टैक्सेबल पे, मतलब 120 और 5, 120, 5, 10, 5, 3 इसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी 0.5%, 0.5%, और ट्रेडर के लिए सिर्फ 120 और 5 के ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी 0.5% एंड 0.5%। आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर, ओके। सो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम तो खत्म हो गई, एक न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम आई है, जैसे कि मैंने उस वाले अभी तक जो पढ़ा था नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम में, कि एक सर्विस प्रोवाइडर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, उस एक नॉर्मली मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ये ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, और इनके लिए ही एक लिमिट लगा दी कि बस आप 10% तक ही आपको अलाउड कर दिया गया है, पहले बिल्कुल नहीं होता था सर्विसेज का पोर्शन, अब सिर्फ 10% तक अलाउड कर दिया गया, छोटा सा अलाउड कर दिया गया, ओके। बट इन द न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम, ये इलेक्शन वाला मामला है, बट अभी से एक्ट में डाल दिया गया है,
तो ये क्या बोलता है कि सर्विसेज के ऊपर भी, सेक्शन में ऐसा नहीं लिखा, सेक्शन में लिखा है कि अदर देन सेक्शन 101 में जो एलिजिबल नहीं हुए उन बंदों को, 101 में कौन एलिजिबल नहीं होते, मोस्टली सर्विस वाले, उनको छोड़कर, मतलब सर्विस वालों को ही कंसिडर करेंगे, उनके लिए स्कीम है ये। और ये स्कीम क्या बोलती है देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सप्लायर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 50 लाख और बिलो, मतलब नॉर्मल स्कीम में बोलता है 1.5 करोड़ से कम, यहां बोलता 50 लाख से कम होनी चाहिए आपकी टर्नओवर। सप्लायर इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 101 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, बोलता है सप्लायर एलिजिबल नहीं होना चाहिए 101 के अंदर। तो कौन से सप्लायर एलिजिबल नहीं होते, मेनली सर्विस वाले। और कौन से एलिजिबल नहीं होते, वो बंदे, वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जिनके सर्विस पोर्शन 10% से ज़्यादा हो जाता है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाते नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो वो बंदे इस न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल कर जाते हैं। ओके, वो बंदे इसे ऑप्ट कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है 50 लाख और बिलो टर्नओवर की, दिस इज एग्रीगेट टर्नओवर। तो मेरा कंपोजिट टैक्स रेट क्या है, जीएसटी रेट मेरा 6% है, 3% सीजीएसटी एंड 3% एचजीएसटी, किसके ऊपर, ऑन फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप टू एन एग्रीगेट ऑफ 50 लाख मेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब 1 अप्रैल या उसके बाद जब भी आपने सप्लाई करना स्टार्ट किया है, उस डेट से लेकर जब तक आप एलिजिबल नहीं हो जाते, मतलब जब तक कि आप 50 लाख तक ओनली आप जो टैक्स है वो 6% के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे आप 50 लाख क्रॉस करेंगे आप नॉर्मल वाले में आ जाएंगे, मतलब आप 18% जो भी टैक्स रेट है उसके हिसाब से पे करेंगे। सिर्फ फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ पहले 50 लाख गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही हम 6% के हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा 50 लाख मैं नॉर्मल रेट से टैक्स पे करूंगा। ओके, जो अदर कंडीशंस थी कि नोटिफाइड गुड्स ऑन नहीं कर सकता, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, वो सारी की सारी इसमें भी सेम है, जैसे लाइक इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो 101 वाली कंडीशन इसके लिए भी सेम एज एप्लीकेबल है। इसमें क्या बोल देता है कि जो बंदे वहाँ नहीं आते वो बंदे यहाँ आ जाइए, हम आपको कंपोजिशन स्कीम देंगे, किस हिसाब से देंगे, 6% के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 50 लाख तक। ओके, एक एग्जाम्पल करते हैं, मिस्टर CMA राम, ओ माई गॉड, CMA, a practicing cost accountant in Patna. He commenced his profession on 1st April 2019 and his annual turnover intrastate, मतलब ठीक है स्टेट के अंदर ही है, of 70 lakh in the financial year 1920, 2019 में ही स्टार्ट किया, तो पिछले ईयर की टर्नओवर कितनी हुई, जीरो। तो क्या ये इसकी स्कीम में आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि ये 101 में भी फॉल नहीं करता, क्योंकि ये सर्विसेज देता है, तो ये इस स्कीम में आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। अब फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, मेरी जो नई वाली स्कीम है कि उसकी बात करें, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन है, उसके अंतर्गत टैक्स लाइबिलिटी मेरी कितनी बनती है। तो इसकी टर्नओवर तो 50 लाख है, सेक्शन क्या बोलता है, सिर्फ फर्स्ट 50 लाख के ऊपर हम न्यू कॉम्पोजिशन के हिसाब से टैक्स देंगे। तो सिर्फ पहले 50 लाख पे हमने टैक्स दे दिया नॉर्म न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम से। ओके, बाकी हम नॉर्मल, मतलब 18% सर्विसेज के ऊपर हमारा 18% का टैक्स है। तो प्रीवियस ईयर टर्नओवर ऑफ CMA राम इज ₹0 बिकॉज ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशन फ्रॉम 1st April 2019 एंड हेंस ही एलिजिबल फॉर न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम। तो ये एलिजिबल हो गया। टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, सीजीएसटी बनेगा मेरा 70 - 50 × 3%, 70 - 50 × 3%। मैंने 70 - 50 क्यों किया, क्योंकि सिर्फ मैंने गलत कर दिया, 70 - 20 और 70 - 20 है, ठीक है। तो मेरा 50 लाख पे तो 3% और 3% लगा दिया, बाकी पे कितना लगाऊंगा मैं, बाकी पे मैं लगाऊंगा 18% के हिसाब से। ओके, अंडर न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर कैन पे टैक्स अंडर द स्कीम अप टू 50 लाख ओनली, बैलेंस 20 लाख ही हैज टू पे एट द रेट 18%। ओके, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 70 - 20 होना चाहिए, मतलब ओनली 50 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, बाकी 20 लाख पे 18%। ओके गाइस, अदर पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कि कंपोजिशन डीलर ITC के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, इफ एनी ऑफ द कंडीशन मेंशन अंडर सेक्शन 101 और 102
not fulfilled by the person, scheme will be withdrawn by the government. अगर वो 10 एक और दो की कंडीशन जो है टर्नओवर वाली जो प्रीवियस ईयर में भी है और सेम करंट ईयर में भी है, अगर करंट ईयर में भी वो फॉलो नहीं करता तो वो बाहर हो जाएगा इस स्कीम से. सप्लायर हैज टू मेक बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड ऑल्सो ही नीड्स टू मैंशन दैट ही इज अ कंपोजिट डीलर. मतलब जो सप्लायर है वो टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएगा, ही कैन नॉट मेक टैक्स इनवॉइस. इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस ही विल मेड अ बिल ऑफ सप्लाई इन विच ही नीड्स टू मैंशन दैट ही इज अ कंपोजिट डीलर. उसे मैंशन करना पड़ेगा कि ये कंपोजिट डीलर है. ओके गाइज, अगला कंपोजिट डीलर हैज टू फिल्ड GSTR 4 on quarterly basis on common portal. Composite dealer को quarterly GSTR 4 file करना पड़ेगा. GSTR 1 file करने की जरूरत नहीं है, 2 file करने की जरूरत नहीं है, 3 file करने की जरूरत नहीं है, 3 भी file करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बना, सिर्फ GSTR 4 बन रहा है, वो भी quarterly. Okay? इसकी due date क्या होती है? इसकी due date होती है मेरी 18th of the following quarter. अगर मेरा पहला quarter जनवरी फरवरी मार्च, इसकी return कब जाएगी? 18 अप्रैल तक. Okay? So, thanks for watching the video. Tell me the topic in the comment section on which you want videos and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. All the best.